हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एडिट फॉर यू। सो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की ट्रेंडिंग स्टार्टस वीडियो बनाने के लिए जो कि अभी इंस्टाग्राम में बहुत ट्रेंडिंग में है, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा इस तरह के स्टार्टस कैसे आप अलाइट मोशन एप्लीकेशन को यूज़ करके बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर लेना। इस तरह की एडिटिंग वीडियो देखने के लिए हिंदी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह की स्टार्टस वीडियो बनाने के लिए पहले आपको मोबाइल में अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद आपको इधर से प्लस आइकन में जाना है। जाने के बाद आपको इधर से 9.16 या तो 4.5 अपने हिसाब से जो भी रेजोल्यूशन आप चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इधर से 9.16 चूज़ करता हूँ। उसके बाद आपको इधर से क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर लेना, जो कि इस तरह कुछ इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको एक इमेज को ऐड करना है। इसके लिए प्लस आइकन में जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। आपको जो भी इमेज में आप स्टार्टस वीडियो बनाना चाहते हैं वो इमेज को आपको इधर से ऐड कर लेना। तो फिलहाल मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। अगर आपको ये वाला इमेज चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इमेज को ऐड करने के लिए 3 डॉट में जाके आपको इधर से फिल स्क्रीन कर लेना, जो कि इस तरह कुछ इमेज दिखाई देगा। उसके बाद आपको इमेज के ऊपर एक बार टैप करना है। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है देख सकते हैं टाइम वाला, उसके ऊपर क्लिक करके ये आपको इसको स्टार्टिंग तक ले आना है। उसके बाद आपको सेकंड जितना सेकंड तक आप रखना चाहते हैं, इधर से देख सकते हैं सेकंड दिखाई दे रहा है, आपको जितना सेकंड रखना है रख सकते हैं। बाकी के पार्ट को आपको ट्रिम कर लेना। तो फिलहाल मैं इधर से 20 सेकंड रखता हूँ। उसके बाद आपको इधर से ट्रिम कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ लेयर आ जाएगा। सो फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको एक रेक्टेंगल ऐड करना है। इसके लिए प्लस आइकन जाना है, रेक्टेंगल को आपको इधर से चूज कर लेना। इस तरह आपको स्लाइड करके इस तरह पूरा आगे आपको ले लेना। उसके बाद इतना साइज आप जितना रखना चाहते हैं अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इतना रखता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एंड तक आना है। आने के बाद ये जो ये लाइन में ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एंड तक आ जाएगा। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, रेक्टेंगल में क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। उसके बाद रोटेशन में जाके उसको आपको जैसे 25% रोटेशन कर लेना है। उसके बाद आपको रोटेशन को क्या करना है, ऊपर आपको इस तरह लेके छोड़ देना है, पूरा आपको अंदर इस तरह ऊपर ले लेना है। उसके बाद आपको इधर से और एक प्लस आइकन एक दे देना है। उसके बाद इस तरह आगे जाके यानी कि 3 सेकंड छोड़ के आपको फिर से एक प्लस आइकन दे देना है। फिर से आपको इस तरह नीचे ले आना है, स्लाइड करके पूरा आपको इस तरह नीचे ले आना है। फिर से आपको 3 सेकंड आगे जाना है यानी कि 6 सेकंड तक आ जाना है। आने के बाद फिर से एक प्लस आइकन दे देना है, इस तरह करके आपको इसको ऊपर ले लेना है। फिर से आपको 3 सेकंड छोड़ के यानी कि 9 सेकंड तक आ जाना है। 9 सेकंड तक आने के बाद फिर से आपको क्या करना है, इधर से प्लस आइकन दे देना है, इस तरह करके नीचे आपको इस तरह स्लाइड करके ले आना है। फिर से आपको 3 सेकंड आगे जाना है यानी 12 सेकंड, इस तरह 3 सेकंड छोड़ के आपको प्लस आइकन दे देना है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरह करके आपको ले आना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इधर से दिखाता हूँ। सो फ्रेंड, इस तरह करके आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक करके प्लस आइकन दे देना है। देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको जो कि रेक्टेंगल दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से फिर से आपको स्टार्टिंग में आना है। आने के बाद आपको क्या करना है, जो बैकग्राउंड इमेज है उसके ऊपर एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करके पहले आपको इधर से डुप्लीकेट लेयर कर लेना है, तो इस तरह हो जाएगा। उसका जो नीचे वाला लेयर है फोटो लेयर, उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, कलर एंड लाइट में जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सैचुरेशन आपको इधर से -100% कर लेना है, जो कि इस तरह कुछ आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से एक वीडियो को ऐड करना है। इसके लिए ब्लॉग से जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। आपको एक पार्टिकल का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो को पहले डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद वीडियो को इधर से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद उसका जो साउंड है आपको ऑफ कर लेना है। उसके बाद जो वीडियो है उसके ऊपर क्लिक करके ब्लेंडिंग में जाके लाइटिंग में जाके आपको इधर से स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वीडियो देख सकते हैं इधर दिखाई दे रहा है, उसका साइड में आपको एक बार होल्ड करके इस तरह रखना है। उसके बाद इसका जो वीडियो को नीचे ले आना है, यानी कि जो रेक्टेंगल है उसके नीचे आपको वीडियो को इस तरह ले आना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे वाला जो लेयर है देख सकते हैं फोटो, उसको छोड़ के आपको ये एक दो तीन वाला उसको आपको एक ग्रुप करना है। इसके लिए आपको ये देख सकते हैं इधर आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक बार होल्ड करके इस तरह रखना है। उसके बाद ये दो को सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं ये 3 सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सेकेंड ऑप्शन है ऊपर देख सकते हैं, इस सेकेंड वाला ऑप्शन को क्लिक करना है इस तरह, जो कि क्लिक हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह आपको कुछ इफेक्ट देखने मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ग्रुप एंड मैक्स से देख सकते हैं एक ग्रुप बन गया, उसके ऊपर एक बार टैप करना है। बॉर्डर एंड शैडो में जाना है। उसके बाद जो नीचे वाला शैडो है उसको आपको इधर से क्लिक करना है। उसके बाद जो शैडो है आपको इधर से ऑन कर लेना है। उसके बाद जो साइज़ है आपको इधर से 25% के आसपास आपको ले आना है। इस तरह देख सकते हैं कुछ आपको शैडो दिखाई देगा, मैं आपको इधर से प्ले करके भी दिखा दूँ। सो फ्रेंड, देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको वीडियो देखने मिलेगा। देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि हमारा जो कि प्रैक्टिकल वीडियो ऐड हो गया। उसके बाद हमारा जो कि पहला ऊपर फोटो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है। तो इस तरह देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि लग रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से बाकी का जो वीडियो है इधर से आपको क्या करना है, ट्रिम कर लेना है। तो ये देख सकते हैं ट्रिम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है। आने के बाद आपको इधर से एक PNG को ऐड करना है। इसके लिए प्लस आइकन जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। आपको PNG का लिंक मिल जाएगा लॉब वाला, उसको आपको इस तरह ऐड करना है। उसके बाद उसको क्या करना है, इस तरह नीचे आपको
अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना, थोड़ा उसको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद उसको आपको अच्छी तरह से नीचे आपको अच्छी तरह से एडजस्ट करना है, उसके बाद एंडिंग तक आना है, इमेज को भी आपको एंड तक ले आना है। तो देख सकते हैं हमारा जो कि वीडियो कितना अच्छा जो कि अभी लग रहा है, देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से जो कि ऐड करना है म्यूजिक, इसके लिए प्लस आइकन जाना है, ऑडियो में जाना है। उसके बाद आपको जो सॉन्ग में वीडियो स्टार्टर्स यानी कि बनना चाहते हैं सॉन्ग को आपको इधर से ऐड कर लेना है। तो मैं इधर से सॉन्ग को ऐड कर लिया हूँ, देख सकते हैं। तो फाइनली देख सकते हैं हमारा जो कि वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि हमारा वीडियो अभी लग रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो को अभी सेव करने के लिए अभी शेयर ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद वीडियो को आपको इधर से फुल HD में फ्रेम रेट फुल रखे, क्वालिटी आपको फुल रखे, आपको इधर से एक्सपोर्ट कर लेना है। सो फ्रेंड, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर लेना। इस तरह की एडिटिंग वीडियो देखने के लिए हिंदी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो फ्रेंड, आज के लिए इतने, धन्यवाद।